हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस खमन ढोकला, जिसे इंस्टेंट खमन या नायलोन खमन से भी जाना जाता है। मेरी ये रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। आप मेरे मेजरमेंट्स फॉलो करेंगे तो आपके खमन भी ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे और हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए। इसके लिए सबसे पहले एक थाली या ऐसी कोई डिश लेंगे जिसमें आपको खमन स्टीम करने हैं। यहाँ पे मैंने 8x8 इंच की बेकिंग पैन यूज की है, जिसकी डेप्थ 2 इंच है। इसे हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और फिर स्टीमर के अंदर 8 कप पानी डाल के उसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब हम एक मिक्सचर का जार लेंगे और उसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड, हल्दी, नमक, चीनी, पानी और तेल। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और मिक्सी को 1 मिनट के लिए चलाएंगे। अब हमें चने के आटे को छानकर तैयार कर लेना है। मिक्सचर के जार में जो हमने मिश्रण बनाया था उसे हमें चने के आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक ही तरफ से सर्कल में उसे फेंटना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और उसी तरह से फेंटते जाएंगे। ये स्टेज पे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। अब हमें बेकिंग सोडा के अंदर पानी डाल के उसे हिला लेना है और उसको बैटर के साथ मिला लेना है। जैसे ही आप इसे बैटर में डालोगे, बैटर में एकदम से जाग आएगा, जिसे आपको थोड़ा फास्ट स्पीड में एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है। आपको बैटर थोड़ा हल्का महसूस होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये स्टेज पे बैटर को ज़रूरत से ज़्यादा फेंटना नहीं है। अब हम इस बैटर को स्टीमर में डाल देंगे और उसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। हम इसे आधा घंटे के लिए स्टीम करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और स्टीमर को बिना खोले आधा घंटे के लिए रहने देंगे। अब हम खमन को स्टीमर से निकालेंगे और आधा घंटे के लिए खुले में ठंडा होने देंगे। स्टीमर में हमने जो 8 कप पानी लिया था उसमें से करीबन 2 कप पानी बचा हुआ है। अब हमारे खमन का ब्लॉक अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ कि ये कैसा बना है। अब हम इसके ऊपर की सतह को निकाल के अलग कर देंगे, जिसे हमें बाद में चटनी बनाने में यूज़ करनी है। इसे निकालने का एक और भी फायदा है, उससे खमन के ऊपरी छिद्र अच्छे से खुले मिलते हैं, जो बाद में हमें लिक्विड डालना है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। आज मैं उसके 9 पीस बना रही हूँ। कभी 16 बनाती हूँ तो कभी 9 बनाती हूँ। जैसे ही मन में आए आप भी कर सकते हैं। अब मैं ये सभी पीस उसी बर्तन में वापस भर रही हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया पता है? क्योंकि मुझे मेरी बेकिंग पैन में स्क्रैच नहीं होने देना था। अब हम खमन के ऊपर डालने के लिए तड़के वाला शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए एक बर्तन में लेंगे तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डालिए सरसों या राई के बीज। अब उसमें जाएगी हरी मिर्च, फिर उसमें डाल देंगे पानी, फिर नमक और लास्ट में चीनी। हमें इसे अच्छे से बबल्स आने तक और उसके बाद भी 1 मिनट के लिए उबालना है। अब ये तड़के वाला मिश्रण खमन पे डालने के लिए रेडी है।
अब हम इसे धनिया की पत्तियों से गार्निश कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके खमन सर्विंग के लिए रेडी हो चुके हैं। बाजार में खमन के साथ मिलने वाली चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करना जिससे मेरे नए वीडियोज आप देख पाए। अगली बार मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।